हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है रेड क्रॉस पे। आज मैं रेड क्रॉस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको दूंगी, जिससे आपको पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, इंटरव्यू तक भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, इसीलिए रेड क्रॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेड क्रॉस के बारे में जानने। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले विचार, जब रेड क्रॉस की स्थापना एक व्यक्ति के विचार पे हुई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन हेनरी डेन्यूट। जॉन हेनरी डेन्यूट का कहना था कि एक ऐसी संगठन होना चाहिए, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिसमें बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, भाषा के बिना सबसे ऊपर उठकर लोगों की मदद कर सके। इसके लिए ये विचार जॉन हेनरी के डेन्यूट के द्वारा रेड क्रॉस का स्थापना 9 फरवरी 1863 ईस्वी में किया गया। उदय यानी कि 9 फरवरी 1863 ईस्वी में जॉन हेनरी डेन्यूट के विचार के बाद इन्हें 9 फरवरी 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, रेड क्रॉस के मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, भारत इसका सदस्य कब बना? जब रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी तो भारत इसका सदस्य नहीं था, लेकिन भारत सदस्य इसका 1951 में रेड क्रॉस का बन गया फ्रेंड्स। यानी कि अब आप जान चुके होंगे कि रेड क्रॉस में हमारा भारत देश भी सम्मिलित है। अब देखिए रेड क्रॉस का उद्देश्य, रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या था? आखिर रेड क्रॉस बनाया तो गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या रखा गया, क्यों इसे बनाया गया? तो देखिए, उद्देश्य ये रखा गया कि युद्ध में घायल लोगों को इलाज करना, प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को महामारी जैसे बीमारियों के लिए इलाज करना, और बिना जात पात धर्म भाषा लोगों की मदद करना, यानी हर चीज़ से ऊपर उठकर लोगों को मदद करना, उनके जीवन को अच्छा से साकार करने के लिए, दोबारा उन्हें नई जिंदगी देने के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे प्रथम नोबेल प्राइज रेड क्रॉस को 1901 में मिला। यानी जब अच्छे से काम कर रहा था रेड क्रॉस, तो इन्हें प्रथम नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ रेड क्रॉस के बारे में आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इनका विचार जॉन हेनरी डेन्यूट के द्वारा लाया गया। इसका गठन 1863 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य है कि युद्ध में लोग घायल जो हो जाते हैं उनका इलाज ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदा के समय और महामारी के समय लोगों के बिना जात पात धर्म भाषा देखे बिना लोगों की मदद करना है। ये रेड क्रॉस का उद्देश्य है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारा देश भारत इसका सदस्य 1951 में बना। और दूसरा चीज़ ये कि इसे प्रथम नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया रेड क्रॉस को। और सभी लोग आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हम लोग अभी रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि रेड क्रॉस कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखिए, मैंने यहाँ सिंबल लिखा है प्लस का। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चिकित्सक से जुड़े हुए हर जगह पे प्लस का साइन रहता है, इसलिए रेड क्रॉस का भी साइन प्लस ही है फ्रेंड्स। आज तो आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे फ्रेंड्स कि रेड क्रॉस कितना इम्पोर्टेंट है। ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बिना किसी जात पात धर्म में के बिना ही लोगों की मदद करता है। और अभी आपने न्यूज़ में कोरोना जैसे महामारी के समय रेड क्रॉस की चर्चा हर जगह आपको देखने को मिला होगा। ये हमेशा हर न्यूज़ में आपको ये रेड क्रॉस के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ टीवी पे, मैगजीन में, आपके मोबाइल्स पे जरूर आते होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आप रेड क्रॉस के बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे, इससे आपको हमेशा हर एग्जामिनेशन में फायदा ही होगा। आज आप इससे पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में अच्छे से कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। और मेरे आने वाले भी जितने भी वीडियो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सारे एग्जाम से रिलेटेड होंगे फ्रेंड्स। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप रेड क्रॉस के बारे में होमवर्क करिए, फिर मैं कल नई जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।